You currently earn 44,000 rupees a month and your CTC is of 5.77 lakhs per annum. I'm 24 and मैं एक कंपनी वर्क करता हूँ जहाँ पे मैं एज अ YouTube मैनेजर वर्क करता हूँ. अच्छा, घर का टोटल इनकम है 97,000 रुपीज और उसमें से 55,000 रुपए महीने के बच रहे हैं. पापा क्या करते हैं केशव? पापा एक शॉप पर वर्क करते हैं. पहले क्या आपने फाइनेंशियल स्ट्रेस देखा था? हाँ, कोविड के टाइम पे काफी ज्यादा. लाइक पापा उस टाइम पे एक गोडाउन रेंट पे लिया हुआ था तो उधर काफी ज्यादा पापा के ऊपर लोन आ गया था तो उसको रीपे करा एंड अब थोड़ा हम ठीक है. क्या आपने ये कर्जा खत्म करने में मदद की है अपने फादर की? हाँ, मैंने साथ दिया. बहुत जल्दी बड़े हो गए आप हैं. आई विल पर्सनली tell you life was harsh but you are one of the most responsible 24-year-olds out there. Hello and welcome to a new episode of Fix Your Finance. आज मेरे साथ है केशव एक बहुत ही cool dude है, उल्टी टोपी पहनी हुई है. केशव के साथ आज बात करेंगे and I will try to fix his finances. केशव, welcome to the show. कैसा है? Thank you. मैं बढ़िया. आप कैसे हैं? मैं बढ़िया यार, थैंक यू सो मच. केशव कहाँ से ज्वाइन कर रहा है? Where do you stay? Okay, I'm joining from Delhi, शादरा. शादरा, जमनापाल. Okay, केशव क्या कर रहा है? How old are you? I'm 24 and मैं एक कंपनी वर्क करता हूँ जहाँ पे मैं एज अ यूट्यूब मैनेजर वर्क करता हूँ. लाइक जो मेरा वर्क होता है वो यूट्यूब पे कैसे हमारे परफॉर्मेंस को ग्रो कर सकते हैं, एडटेक प्लेटफॉर्म में मैं वर्क करता हूँ. अच्छा, एंड कैसा चल रहा है? कितने टाइम से इधर काम कर रहे हैं? अप्रोक्स 1 year 10 months हो गए हैं मेरे को इधर. 1 year 10 months. और YouTube के बारे में समझ लिया कैसे काम करता है YouTube? हाँ, कैसे ग्रो करना है? This is my first job और उसी में मतलब काफी सही था एक्सपीरियंस. First of all, you are in a very new industry, केशव. Like बहुत ही नया इंडस्ट्री है और एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आगे जाके सिर्फ ग्रो ही होने वाला है क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स आज के दिन फिजिकल मार्केटिंग को छोड़ के यूट्यूब में मार्केटिंग कर रहे, यूट्यूब पे खर्चा कर रहे. हाँ जी. तो इस जोन में रेवेन्यू तो बढ़ने ही वाला है एंड आई एम ग्लैड कि तू अपने एकदम इनिशियल करियर में ही एक ऐसे नए स्पेस में घुस गया. वेरी नाइस. केशव 24 साल का है अभी तू, ठीक है? 22 साल की उम्र से काम कर रहा है ना? पढ़ाई क्या की थी? मैंने बीए करी है, बीए प्रोग्राम. और क्या स्पेशलाइजेशन था? स्पेशलाइजेशन मेरा प्रोग्राम था तो उसके अंदर इकोनॉमिक्स मतलब एकेडमिक नॉलेज मेरी कहीं काम नहीं आई. मेरा खुद का यूट्यूब चैनल था तो उसमें मेरे 12,000 सब्सक्राइबर्स थे तो उस बेस पर मैं उधर सेलेक्ट हुआ जहाँ पर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ. एंड किस टाइम पे क्या उम्र थी जब 12,000 सब्सक्राइबर थे यूट्यूब चैनल पे? ये शायद कोविड के टाइम की बात थी. कोविड के टाइम की बात है. एंड क्या कंटेंट बनाते थे? उस टाइम पर फोन रिव्यूज वगैरह काफी चलते थे अगर आपको पता है. या तो हाँ, तो उस टाइम पे था और मेरी अर्निंग भी होती थी उससे. That's awesome कि पहले खुद YouTube को इम्प्लीमेंट किया, YouTube में खुद का रिजल्ट बनाया और उसी के दम पे you got a job in a very reputed edtech company. Congratulations केशव, बहुत ही सही चल रहा है. बहुत इंटरेस्टिंग. आई एम ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी. ठीक है, चलो नाउ लेट्स लुक एट योर फाइनेंसेस. You currently earn 44,000 rupees a month and your CTC is of 5.77 lakhs per annum. Right? क्या जॉब की स्टार्टिंग से ही ये सीटीसी रही है कि ग्रोथ हुआ है? नहीं, ये ग्रोथ हुआ है. अराउंड जो मेरा सीटीसी था 1 साल 10 महीने पहले वो था 3,55,000 ऐसा कुछ था. 3,55,000 और 3,55,000 से आज 5.75 LPA हो चुका है. हाँ जी. राइट? केशव अभी तो यंग है एंड यू आर ऑल्सो वेरी एम्बिशियस. सो इफ यू टेक द राइट स्टेप्स फॉर योर करियर इन योर 20s, योर प्रोफेशनल लाइफ अहेड कैन बी सॉर्टेड. इन अ गुड जॉब यू विल ऑब्वियसली लर्न अ लॉट एंड अपस्किल, बट बहुत सारे लोगों को अच्छी जॉब्स के लिए कंसिडर ही नहीं किया जाता बिकॉज दे डोंट हैव एन इंजीनियरिंग डिग्री और एन MBA डिग्री. अ राइट डिग्री कैन ऑफन ओपन डोर्स टू अपॉर्चुनिटीज दैट नॉट ओनली प्रोवाइड वैल्यूएबल एक्सपीरियंस बट ऑल्सो इंक्रीज योर इनकम. है ना केशव? नॉट एवरी MBA इज एक्सपेंसिव एंड फॉर सम मास्टर्स डिग्री यू डोंट इवन नीड टू लीव योर जॉब. फॉर एग्जाम्पल, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफर्स अ 1 year MBA प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद UpGrad एज देयर एक्सक्लूसिव पार्टनर. यू कैन परस्यू दिस कोर्स व्हाइल इवन कंटिन्यूइंग योर जॉब एंड विद एन EMI ऑफ जस्ट 6,790 पर मंथ फॉर 2 years यू कैन अर्न अ 1 year MBA, मेकिंग इट हाईली अफोर्डेबल. OP Jindal is among just 12 institutes of eminence approved by the Ministry of Education alongside renowned institutions like IIT and IISC. And as per QS Global Rankings in 2023, they're also ranked as India's #1 private university. Take Keshav, rankings are great, but an institution is only as good as its faculty. And the professors here are PhDs from IIMs, XLRIs, and top US colleges. And a lot of them have experience working at leading companies like McKinsey, Airtel, Bank of America. So if you are thinking of pursuing an online MBA, check out this course by OP Jindal Global University. Use my link in the description to get a 5,000 rupee exclusive scholarship while enrolling for the program. ठीक है, so CTC का काफी अच्छा growth हुआ है ना, like 3.65 से 5.77, very nice. घर में कौन-कौन है केशव? मैं, मेरी सिस्टर, मेरे पापा एंड मम्मी। चार लोग की फैमिली है। क्या सब लोग साथ में रहते हो? हाँ जी, हाँ जी, साथ में रहते हो। एक और चीज, क्या ये काम 100% रिमोट है कि ऑफिस भी जाना पड़ता है? लाइक कभी कभार ऑफिस जाना होता है, हाइब्रिड होता है। हाँ। थर्सडे को मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है और बाकी दिन मतलब मैं जाता ही हूँ ऑफिस। बढ़िया बढ़िया। और ऑफिस कितना दूर है घर से? अप्रोक्स 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। मेट्रो से जाते हो? नहीं नहीं, स्कूटी से। मेट्रो से ना नोएडा जाना काफी दूर का हो जाता है, मतलब दिल्ली से नोएडा ट्रैवल करना अप्रोक्स लग जाते हैं 2 घंटे के अराउंड। ठीक है। घर में और कौन कौन काम करते हैं केशव? तो मेरी दीदी वर्क करती है एंड मेरे पापा वर्क करते हैं। ठीक है। तो केशव करंटली पूरे घर का कलेक्टिव इनकम कितना होगा? इट्स अराउंड लाइक 44 मेरी एंड 33 दीदी की प्लस 20 पापा की। कितना हो गया? तो आपके टोटल, तो घर का टोटल इनकम है 97,000 रुपीज, राइट? पापा क्या करते हैं केशव? पापा एक शॉप पर वर्क करते हैं, तो वहाँ पे जो भी उनका कितना, मतलब वहाँ पे ना क्लोथ का वर्क होता है, जो रो कपड़ा होता है उसका वर्क होता है, तो कितना आ रहा है कितना जा रहा है उसका मैनेज करते हैं। बहुत सी। तो करंटली आपकी जो फैमिली है 4 लोगों की, उसमें आप सब मिल बांट के सब मेहनत करके 1 लाख रुपए कमाते हो, है ना? बढ़िया बढ़िया। कैसा चल रहा है? सही है, स्टेबिलिटी आई है ना? दोनों बच्चे काम कर रहे हैं, दोनों बच्चे कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, है ना? कैसा चल रहा है? स्टेबल है अभी घर में सब कुछ? हाँ, पहले से काफी बेटर। पहले से काफी बेटर। क्या पहले फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी देखी थी आपने? फाइनेंशियल स्ट्रेस देखा था? कोविड के टाइम पे काफी ज्यादा था। लाइक पापा उस टाइम पे सदर, अगर आपको पता है, वहाँ पर हम एक गोडाउन रेंट पे लिया हुआ था, वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क करते थे, तो उधर काफी ज्यादा पापा के ऊपर लोन आ गया था, तो उसको रीपे करा एंड अब थोड़ा हम ठीक है। अपने ये कर्जा खत्म करने में मदद की है अपने फादर की? हाँ, मैंने साथ दिया है। बहुत बहुत जल्दी बड़े हो गए आप, हैं? 24 साल का है बट बहुत जल्दी बड़ा हो गया है। आप जैसे लोगों की वजह से जिन्होंने काफी सही टाइम पे गाइड करा। चलो बढ़िया बढ़िया केशव। ठीक है, तो इनकम तो है अभी 97,000। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सपेंसेस। फर्स्टली केशव, जो आप लोग चारों लोग हो, खुद के घर में रहते हो कि रेंट में रहते हो? ये रेंट पे है। ये रेंट पे है, ठीक है। हाँ जी। 9,000 रुपए आपका रेंट है, राइट? हाँ जी। अगला खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी, 4,000 रुपए। ये है ना, हर मंथ नहीं आता ऐसे। दिल्ली में आपको पता है कि कुछ एक अमाउंट तक, हाँ, वो फ्री होता है, तो सर्दियों में नहीं आता, गर्मियों में आता है वो। ओके, ठीक है। तो करीब 2,000-2,500 पकड़ के चल सकते हैं, इतना आप मान सकते हो एवरेज। फ्यूल आपका 2,700 रुपए महीने का है। हाँ जी, है ना? 2,700 रुपए, एकदम प्रिसाइज। क्या हमेशा कैलकुलेट किया है कि इस वीडियो के पहले ही उतना हूँ? अच्छा, ठीक। वो माइंड में भी रहता है कि हाँ, मतलब डेली का 100 हो जाता है अप डाउन करना, तो उससे। बढ़िया। और जो स्कूटर लिए उस, वो लोन में लिया था नहीं, कैश में लिया था? 2018 में लिया था हमने स्कूटी। थी तो अभी तक वही चल रही है। बढ़िया। अगला खर्चा है फूड। फूड आपका 1,000 रुपए है और ग्रोसरीज आपका करीब 6,500-7,000 रुपए है ना? और फूड मतलब बाहर से ऑर्डर करना? हाँ, ये बहुत ही रेयर होता है, मतलब बाहर जाना या कभी कुछ। फिर आपका है फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, 15,000 रुपए। ये फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? ये क्या है ना, जैसे कि हम तीनों ही साथ में अमाउंट दीदी को देते हैं, मतलब दीदी अपना, मेरा और पापा का साथ में ले लेती है अमाउंट, और उससे पूरा मंथ रन होता है। ओके, होता है। हाँ। और मिसलेनियस से 1,000 रुपए। हाँ। अब मुझे एक चीज बताओ केशव, कि ये जो खर्चे आपने बताया, ये क्या सिर्फ आपके खर्चे की पूरे घर के खर्चे? मैं आपको थोड़ा सेपरेट करके बताता हूँ। जैसे हमारा जो मंथली पूरा जो दूध वगैरह, ग्रोसरी वगैरह सब कुछ मिला के जो खर्चा हो जाता है, अराउंड 30,000 हो जाता है। 30,000 हो जाता है। बट इसमें वो वाला एक्सक्लूड है जो मेरी ट्रैवलिंग का, जैसे जो ट्रैवलिंग का है ना वो मैं खुद पे करता हूँ, दीदी अपना खुद, बट जो हम कलेक्टिव अमाउंट देते हैं उसमें से 30,000 वो वाला पूरा हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा पापा का आप एक्सक्लूड कर सकते हो, जो पापा का अपना अलग खर्चा, जैसे मान लीजिए उनका 3,000 प्लस उनकी ट्रैवलिंग का 1,000, तो 4,000 उनका हो सकता है, 3,000 दीदी का एंड 3,000 मेरा। ठीक है, तो क्या ये बोलना सही रहेगा कि आपके घर चलाने के खर्चे 30,000 रुपए और हाँ, दफ्तर जाने का जो ट्रैवलिंग का खर्चा है वो अलग से 10,000 रुपए। हाँ, 10,000, तो महीने के 40,000 रुपए में 40,000 दिल्ली में 4 लोग रह हाँ, पा रहे। क्या ये बोलना सही है? क्या ये हाँ, सही मतलब है? बिल्कुल सही है। वाओ, बहुत ही सही, बहुत ही सही। क्योंकि जब घर के 4 लोगों में से 3 लोग कमाने लगते हैं केशव, है ना, तो होता क्या है कि इंसान अपनी लाइफस्टाइल पे भी खर्चा हाँ, करने लगता है, थोड़ा खाना बाहर से ज्यादा ऑर्डर हो जाता है, कोई गाड़ी लेने का सोचता है। बट आप हाँ, चारों हर महीने बहुत डिसिप्लिन तरीके से रह रहे हो। कोई कारण है क्या आप लोग किसी चीज के लिए बचा रहे हो? हाँ, ऐसा है कि जैसे अभी 2 साल बाद दीदी की शादी है और मेरा भी एक ही है कि आने वाले, जब तक मतलब मेरी शादी होगी, मैं 24 हूँ, तो मैंने अपना जो ले रखा है कि 28-30 तक मैं शादी करूंगा। हाँ, तो उसके लिए मेरे को एक घर बाय करना है उससे पहले, एंड अपनी शादी में भी थोड़ा बहुत, लाइक शादी ऐसी नहीं कि बहुत ज्यादा ओवर कुछ करनी है, बट एक जो बेसिक मिनिमम है कि मतलब अच्छे से पंडित जी का हो जाए एंड खाना हो जाए, बस। तो ये आपका टोटल घर का इनकम और एक्सपेंस शीट, ओके। मंथली इनकम है आपकी 97,000 और आपके सारे खर्चे अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है, तो लास्ट में हर महीने 55,000 से 57,000 रुपए बचने चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है हर महीने? हाँ, इतना हो रहा है, लाइक 55 है, 55,000 रुपीज आप बचा रहे हो। हाँ जी, बताइए केशव जी, तो ये 57,000 रुपीज जो है आपका, वो आप कैसे सेव कर रहे हो? ओके, तो जो मेरा शेयर मार्केट में मैं थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज है कि कब करेक्शन होती है, किस टाइम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड मैं स्विंग ट्रेड्स थोड़े से ले लेता हूँ, बट सेफ स्टॉक में जो भी अपने ब्लू चिप होते हैं, ऐसा होता है, आईपीओ वगैरह में कभी कर देता हूँ। ठीक है, स्टॉक्स में कितना है? अप्रोक्स 27,000 मेरी साइड से हर महीना। हर महीने। और फैमिली के साइड से कि यही है पूरी फैमिली का 27,000 मेरा है, और दीदी के म्यूचुअल फंड्स में लगते हैं, तो वो अप्रोक्स दीदी करते हैं 5,000। म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए जाते हैं। हाँ, फिर एक मम्मी का अकाउंट भी है, उससे बस मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, उसमें 1,000 रुपीज हर महीने पेनी शेयर में, बस 1,000 मतलब 1,000, ना उससे कम ना कुछ ज्यादा। ओके, अगला बस यही है, यही तीन है, तो 33,000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो। हाँ जी, इसके अलावा जो बाकी 20-22,000 दीदी सेव करती है अपने, वो सेव करती है। कैसे सेव कर रही है वो? वो दीदी अपने अकाउंट में डालती है और एफडी करा लेते हैं, क्योंकि दीदी की शादी में भी नीड है, तो वो थोड़े हम वैसे रखते हैं। ठीक है, एफडी करा रहे हो। एक चीज मुझे आप बताइए, गोल्ड का क्या कर रहे हो आप? क्योंकि शादी में गोल्ड की नीड पड़ेगी, तो क्या गोल्ड ले रहे हो आप? गोल्ड के ETFs है मेरे पास, बट फिजिकली नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा मतलब ये है कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब होगी उस टाइम पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि ETF भी ऑलमोस्ट शायद सेम अमाउंट पे ही चलता है। यस यस यस, तो वो वाली चीज थी। सो गाइस, अगर आपको फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना, और आज के दिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हमेशा इश्यूज नहीं होते सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के, तब अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो, तो गोल्ड के जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं वो बहुत ही अच्छा जरिया है इन्वेस्ट करने का। आप अपने डीमैट अकाउंट से ही गोल्ड बीज सर्च कीजिए, गोल्ड बीज, एंड आप वो ETFs के यूनिट्स खरीद सकते हो। और उसका जो मूवमेंट है, उस स्टॉक का जो मूवमेंट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट ऑफ गोल्ड प्राइसेस। ठीक है, सो दैट इज अ ग्रेट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड इफ यू डोंट वांट टू बाय फिजिकल गोल्ड। ठीक है, और भी था कि जैसे डिजाइन्स वगैरह, तो उस टाइम पे कुछ बेटर हो सकते हैं, लाइक अभी अगर लेके रखें उस टाइम पे कुछ बेटर हो, तो एक ये भी रीजन था। बढ़िया, ठीक है, तो गोल्ड ETFs आप कितना डालते हैं हर महीना? सर, इसी में से 27 में अगर जैसे ज्यादा करेक्शन है गोल्ड के अंदर, तो हम ज्यादा अमाउंट डाल देंगे, अगर कम है तो उसमें मैं कम रखता हूँ, लाइक कुछ फिक्स्ड नहीं है। ये कितने टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हो आप, बताइए? ये जैसे मैंने आपको बताया, वो कोविड के बाद पापा पे लोन था, तो उसको क्लियर करे हुए अभी हमें हुए हैं 7-8 मंथ्स, तो उतने टाइम से हम लोग ये कर रहे हैं। 7-8 मंथ्स हो चुके हैं। तो क्या ये बोलना सही रहेगा कि आपका करीब 5 लाख जितने का एसेट बिल्ड हो चुका है बिल्कुल, तो वो थोड़ा रिटर्न वगैरह भी तो इससे थोड़ा ज़्यादा। और वो जो डेट था वो डेट कितने का था? डेट वाज अराउंड 2 लाख to 3 लाख कितना कुछ था, 2-3 लाख। तो पहले अपने फैमिली का कर्जा आप लोगों ने मिलके क्लियर किया और अब आप सेव कर रहे हो ताकि आगे जाके आप अपनी बहन की शादी करा सके। बहन की शादी में कितना खर्चा होगा बताइए? जो हम लोगों ने एस्टीमेट लगाया है लाइक 15 to 13 लाख। और कब है? 2 साल में है ना? 2 साल में। 2 साल आज के दिन 15 है तो हम 18 लेके चलेंगे है ना, सेफ साइड होना चाहिए। हाँ जी। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 2 साल, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% लेके चलते हैं। इसके हिसाब से आपको महीने का 68,000 रुपीज़ सेव करना पड़ेगा। आप लोग ऑलरेडी 53,000 कर रहे हो है ना। अगले साल जैसे इंक्रीमेंट होगा, ये मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, बट जैसे इंक्रीमेंट होगा आपका सेविंग्स परसेंटेज भी खुद ब खुद इंक्रीज हो ही जाएगा। अब अगला गोल है आपकी खुद की शादी। हाँ जी। है ना, वो कितने साल बाद है? अप्रोक्स आप मान सकते हैं 6 इयर्स तो है। 6 इयर्स है ना। एंड केशव, वंस योर सिस्टर लीव्स है ना, क्या वो इनकम आपकी फैमिली का पार्ट होगा? नहीं होगा, पर ये 2 साल की बात है। हाँ, 2 साल की बात है ना। मेरे हिसाब से इफ यू अपस्किल है ना, प्लस इफ यू बी इन दिस स्पेस, इफ यू बी इन द यूट्यूब स्पेस, योर इनकम विल नॉट बी एट 44,000। नाउ आई विल टेल यू कि अगर 2 साल बाद 24 बाय द टाइम यू टर्न 26 यू विल देन स्टार्ट सेविंग फॉर योर ओन वेडिंग है ना। उस वेडिंग में लग जाने करीब 20 लाख रुपए। हाँ, ये तो हो जाएगा, 20 लाख लग जाएंगे मेरे साइड से। मेरे को ये ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि मतलब मेरे इतना कुछ वो नहीं है कि बहुत ग्रैंड कुछ करना है, मतलब एक बेयर मिनिमम का वो वाली चीज़ है। पर भाई ये बात है ना कि पिछले साल 38 लाख शादियाँ हुई थी। हाँ, इस साल 50 लाख शादी हो रही है। जब आपकी बहन की शादी होगी तब शायद 60 लाख शादी होगी। 60 लाख, राइट। जैसे जैसे शादियाँ बढ़ेगी वैसे वैसे वेंडरों के भी खर्चे बढ़ते रहने चाहिए। इन्फ्लेशन तो है। लाइक मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी, जिनसे होगी शादी, उनके साथ भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा। तो वो उसके लिए है कि दोनों की शादी के लिए। इतने समझदार आप कब हुए ये बताओ यार, कैसे हुए इतने समझदार? मुझे मजा आ रहा है बात करके। I will personally tell you, you are one of the most responsible 24-year-olds out there. Life was harsh, but you have been very, very responsible. Very responsible. कितना करते हो म्यूचुअल फंड में साथ में? जो मतलब उनकी साइड से है वो ज़्यादा होता है क्योंकि मेरे पास इतने नहीं बच पाते उस टाइम पर, तो वो अप्रोक्स अपने 5,000 करती हैं और मेरी साइड से 1,000 या 1,500। 6,500, कितनी बढ़िया बात है ना। और ये कितने साल से चल रहा है? ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अप्रोक्स 1 साल हुआ। मान लीजिए 6,500 आप लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हो है ना। हाँ जी। अगले 6 साल के लिए। हाँ जी, अगले 6 साल के लिए आप लोग कर रहे हो। मार्केट्स में अगर आप एक बेसिक म्यूचुअल फंड का भी पोर्टफोलियो बनाओ, 13% इज़ अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर्स। उसी के साथ साथ हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी यू शुड इंक्रीज योर मंथली सेविंग अमाउंट बाय 15%। अगर आप ये करते गए, ठीक है, बाय द टाइम यू गाइज आर रेडी टू गेट मैरिड, ठीक है, द अमाउंट विल बिकम क्लोज टू 10 लाख रुपीज है ना। 10 लाख रुपए बन जाएंगे। अब ये जो 20 लाख रुपए आपने बोला है वो सिर्फ आपके साइड का होगा कि दोनों का ही 20 लाख टोटल? दोनों का मिला के 20 लाख लगेगा। तो 984 तो ऑलरेडी हो गया ब्रो। हाँ जी। तो बाकी के 10 लाख रुपए जिसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। हाँ, धीरे धीरे करके। अब बहन की शादी के बाद आपको, आपके पास होंगे 4 साल, उन 4 सालों में आपको करीब 10-11 लाख रुपए और जुटाने, ठीक है। अब 4 साल एक बहुत ही लंबा पीरियड नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। सब कुछ इक्विटी में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, करीब 60% इन लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप इक्विटी, 20% इन रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड 20% इन गोल्ड। अगर आप ये पोर्टफोलियो बनाओगे तो यू कैन एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ अराउंड 10-11%। हम कंजर्वेटिवली 10% का रिटर्न लेंगे, ठीक है। एज सुन एज योर सिस्टर गेट्स मैरिड, केशव, उसके बाद से आपकी शादी के लिए आपको 14,000 रुपए का मंथली इन्वेस्ट करना है इस डाइवर्सिफाइड बास्केट में, और हर साल उसे 15% से बढ़ाना है। अगर आप ये करते हो तो फिर 30 की उम्र तक आपके 10,17,000 रुपए और सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो आप और आपकी पार्टनर जो ऑलरेडी सेव कर रहे हो 6,500, उससे आप पहुंच जाओगे 10 लाख, और बहन की शादी के बाद और 14,000 रुपए से आपको एक स्टेप अप SIP शुरू कर दी है। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल हो सकता है, हाँ जी। बढ़िया बढ़िया। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आप बहुत सॉर्टेड हो, है ना? क्यों मेरे पास आए? कुछ तो सवाल होंगे कि यही सवाल थे। मतलब मैं थोड़ा ना प्रॉपर्टी वगैरह में कम जाता हूँ, मेरे को बस एक घर चाहिए, बस सिर्फ रियल एस्टेट में की मतलब इन्वेस्टमेंट बोलूँगा बस, तो उसका भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। आप कब खरीदने का सोच रहे हो? मतलब मेरा तो जो प्लान था कि अराउंड शादी के 1-2 साल बाद ही। शादी के 1-2 साल बाद, तो मतलब 30-32 साल की उम्र में ना? हाँ, 30-32 साल की उम्र में। सही है, 30-32 साल की उम्र में कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगा अभी खरीदना है 1-2 सालों में। नहीं नहीं नहीं, 1-2 सालों में नहीं खरीदना है। अगले 6 साल के लिए आपकी जो सेविंग्स है वो सेविंग्स ईयरमार्क्ड है ऑलरेडी 2 बड़े गोल्स के लिए। केशव जो घर लेने का प्लान कर रहा है, लोन में लेना है सेविंग्स में लेना है? सेविंग्स। सेविंग्स में क्यों? सेविंग्स में क्यों लेना है? और लाइक मेरे को लोन में नहीं जाना कभी भी। क्यों ऐसा? किसी भी चीज के लिए। क्यों ऐसा? लाइक मतलब मेरे को लोन पसंद नहीं है बिल्कुल भी। लोन पसंद? मैंने क्रेडिट कार्ड भी अभी लिया है लास्ट मंथ, और उसमें भी मैंने FD के अगेंस्ट लिया है। अच्छा। जितनी मेरी FD है मेरी उससे कम की लिमिट है। सही है सही है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड और होम लोन 2 बहुत ही अलग चीज है ना? होम लोन पता है क्या करता है आपको केशव? होम लोन बेसिकली हेल्प्स यू गेट एन एसेट without having all the savings. Home loan also helps you beat inflation. कि 30 की उम्र में मान ले तुझे 1 करोड़ रुपए का घर खरीदना है, ठीक है केशव? ओके, ठीक है। अब 1 करोड़ रुपए अगर सेविंग्स ना भी हो, फिर भी होम लोन के जरिए यू कैन बाय अ हाउस, ठीक है? ताकि जब 55 की उम्र या 40 की उम्र में फाइनली 1 करोड़ की सेविंग्स होंगी, तब घर ना लेना पड़े, ठीक है? उसमें प्रॉब्लम क्या है? जो 1 करोड़ का घर है 30 की उम्र में, वो 1.5-2 करोड़ का हो जाएगा, ठीक? तो होम लोन गिव्स यू द ऑप्शन टू बाय एन एसेट, अक्वायर एन एसेट विदाउट हैविंग द टोटल कॉर्पस। ये चीज है। बट एक चीज बोलना चाहूंगा, 30% से ज्यादा अपना EMI के तरफ नहीं जाना चाहिए। तो अगर 2 लाख कमा रहे हो 32 की उम्र में, 60,000 से ज्यादा EMI के तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है? सर एक डाउट और था मेरा। बताइए। जैसे कि होम लोन है तो उसको लंबा ड्यूरेशन खींच सकते हैं क्योंकि उससे EMI कम होगी, और जो मतलब EMI कम हो रही है तो उसकी थोड़ा सा जो जंक मेरे पास बचेगा हर महीने मान लो, उसको मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? और सेकंड ऑप्शन मेरे पास होगा, मैं EMI जल्दी से पे करूँ और कुछ टाइम तक शेयर मार्केट में जो अपनी SIP या जो भी कुछ है उसको होल्ड कर दूँ, तो मेरे लिए क्या सही रहेगा? ये एक पर्सनल चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा EMI पे करके जल्दी होम लोन ख़त्म करने में कंफर्टेबल हो तो आप वो करो। अगर आपको पता है कि आप डिसिप्लिन्ड हो कि अगर मेरी EMI कम हो जाए तो मैं ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाऊंगा, तो आपके पास दूसरा वाला ऑप्शन भी है। मान लीजिए घर 1 करोड़ रुपए का है ना? हाँ जी। अब ये 1 करोड़ रुपए का जो घर है उसमें 20 लाख तो डाउन पेमेंट दोगे, और बाकी जो 80 लाख रुपए उसका लोन लोगे। 8.5% का हम इंटरेस्ट ले लेते हैं। लोन टेन्योर आपका 15 साल, ठीक है? ठीक है, ओके। आपकी मंथली EMI बैठ के आएगी 78,800 रुपीज, ओके? आप टोटल एंड में 1 करोड़ 40 लाख रुपए भरोगे बैंक को। तो जैसे ये केस में 80 लाख रुपए का लोन है, ठीक है? ठीक है। अगर ये 30 साल के लिए हम करते हैं इसे, तो फिर आपका मंथली EMI 78,000 से 60,000 हो जाएगा, ठीक है? और आपका जो टोटल अमाउंट है वो 2 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। तो पहले 1 करोड़ 40 था, अब 2 करोड़ 20 लाख। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से हर महीने ये 17,000 रुपए मार्केट में डालते रहोगे, तो केशव भाई, ठीक है, जो 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किए है वो एंड में 7 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाएगा, है ना? तो अगर आप ये चीज कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। लंबा लोन ले लो, है ना? और फिर ये इन्वेस्ट कर लो बाकी का रिमाइंडर, ठीक है? बट क्या लगता है, होम लोन लेगा अभी? हाँ, लूंगा, ठीक है, क्योंकि लेवरेज मिल रहा है। लेवरेज मिल रहा है। दूसरी बात है यार कि जो इफ यू डू व्हाट यू डू, लाइक अगर 30 साल की उम्र में 30 साल का लोन लिया और बाकी का जो EMI है वो EMI अगर डाल दिया तो 60 की उम्र में क्या कितना बड़ा कॉर्पस बन जाएगा, कितना बड़ा कॉर्पस। बट एक चीज़ है केशव, जैसे ही घर लोगे, ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आगे जाके अगर बच्चे बच्चे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो लिया हुआ है, ठीक है, उसका कवर कितना है? 50 लाख रुपीज़। जब घर खरीदेगा है ना, तब वो 50 लाख का तो नहीं होगा, घर का अमाउंट ज़्यादा होगा, उसके ऊपर बच्चों के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी थोड़ा बचाना पड़ेगा। तो अगर 1 करोड़ का घर है तो करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए का तो मिनिमम टर्म इंश्योरेंस लेना ही लेना है, ठीक है। हेल्थ, घर में हेल्थ इंश्योरेंस है केशव सबके पास? वो कंपनी की साइड से जो मेरा है, मम्मी पापा का बारे, दीदी नहीं है उसमें बस, ठीक है। तो दीदी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही लेना है ना। साथ ही साथ आगे जाके अगर इस कंपनी में नहीं रहा, ठीक है, और अगर अगली कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस इतना कॉम्प्रिहेंसिव ना हो तो अलग से हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए गाइस, ताकि कंपनी के ट्रांजिशन के पीरियड में आप नेकेड ना हो, आप अनइंश्योर्ड ना हो, और वेटिंग पीरियड भी होता है। तो इसलिए जल्द से जल्द इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस भी सबको लेने की जरूरत है, ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। केशव, बहुत अच्छा लगा, है ना, मतलब बहुत कम लोग यू नो 40-50 हज़ार रुपए कमा कर 10-12 लाख रुपए सेव कर पा रहे है ना। आप लोगों ने पहले अपना फादर का डेट क्लियर किया, फिर आप हर महीने 50 हज़ार रुपए बचा भी रहे हो, आप और आपकी बहन दोनों मेहनत करके खुद की शादी भी स्पॉन्सर करोगे, उसके बाद फैमिली के लिए घर भी लेना है। ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि नंबर्स का बहुत सेंस है, डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा चल रहा है ना। एक चीज़ मैं बोलूँगा केशव, ठीक है, कि जो फील्ड में है, यूट्यूब वाले फील्ड में, अगर इसे अच्छे से सीखता है, इनकम स्काई रॉकेट होगी, इनकम आपकी होगी स्काई रॉकेट। दिल्ली गुड़गांव में इतने सारे स्टार्टअप है जो सोशल मीडिया के वजह से इतने रेलेवेंट है, इतने बड़े है ना। गुड़गांव में Zomato, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में भी काम करने का आपको मौका मिलेगा अगर आप अपने स्किल सेट पे काम करते रहो और एजुकेशन पे भी थोड़ा फोकस करो। दोस्तों, इस वीडियो से एक ही सीख है, आप कितना कमाओ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे उस पैसे को मैनेज करते हो और कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हो, उसी पे आपका पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर डिपेंड करेगा। गुड बाय, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन। नए हो अगर चैनल में तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको एक्सक्लूसिव लाइव स्ट्रीम्स और बोनस वीडियोस चाहिए, डू क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन एंड बिकम अ मेंबर ऑफ आवर फाइनेंस गैंग। गुड बाय केशव, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।